इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक पेज नंबर 83 तथा पेज नंबर 85 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया एल्कोहल से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा दोनों में अंतर कर लिया जाता है। देखिए, ये जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट को एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर CO2 गैस नहीं बनता है, जबकि इसी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस बना देता है। तो इस तरह से ये दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है। अब दूसरा नंबर प्रश्न, ऑक्सीकारक क्या है? देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे कारक जो स्वयं अपघटित होकर दूसरे यौगिक को या तत्व को ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। दो ऑक्सीकारक के नाम निम्नलिखित हैं, यहाँ KMnO4 और K2Cr2O7। ये देखिए दो ऑक्सीकारक हैं। ये क्या होता है कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, अपघटित होते हैं स्वयं। और क्या होता है कि किसी यौगिक या तत्व को ऑक्सीकृत कर देते हैं, K2Cr2O7 या KMnO4। इसके लिए आप एक दो उदाहरण यहाँ अभी देख सकते हैं। जैसे KMnO4, ये जो एरो का निशान होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, और K2Cr2O7 भी एरो के निशान के ऊपर ही लिखा जाता है, अर्थात ये डायरेक्ट किसी अभिक्रिया में अभिकर्मक के साथ भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए इनका नाम उत्प्रेरक कहा जाता है और ये ऑक्सीकारक होते हैं। तो इस पेज पे यही दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों प्रश्न समाप्त हुए। पेज नंबर 85 के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो इसका उत्तर स्पष्ट लिखेंगे, डिटर्जेंट का उपयोग करके यह नहीं बताया जा सकता कि जल कठोर है अथवा मृदु, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों तरह के जल के साथ झाग का निर्माण करता है। अब देखिए, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग का निर्माण नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट अर्थात सर्फ जो है वह जल कैसा भी हो, कठोर हो या मृदु हो, जल का दो प्रकार होता है, आप लोग समझते हैं, जैसा कि स्पष्ट हो कि जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर और मृदु। तो डिटर्जेंट अर्थात सर्फ इन दोनों प्रकार के जलों के साथ झाग देता है, इसलिए डिटर्जेंट के उपयोग से ये नहीं बता सकते कि जल कठोर है अथवा मृदु। दूसरा नंबर प्रश्न, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं, सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? ये तो एक सामान्य क्रिया से प्रश्न है, आइए उत्तर समझा जाए। जब पानी के साथ कपड़े पर साबुन रगड़ते हैं तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण साबुन के साथ श्वेत अवक्षेप बनाते हैं, और यह अवक्षेप कपड़े के रेशे में प्रायः फंस जाते हैं। जब हम लोग कपड़े को रगड़ते हैं, डंडे से पीटते हैं, पत्थर पर पटकते हैं अथवा वॉशिंग मशीन में रगड़ते हैं, तो यह अवक्षेप कपड़े के रेशे से अलग हो जाता है। देखिए, यहाँ जब साबुन से सफाई प्रक्रिया होती है तो मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल के केंद्र में मैल होता है जो कपड़े के रेशे में फंस जाता है, और जब इसे पीटा जाता है कपड़े को या पटका जाता है या रगड़ा जाता है तो वही मिसेल्स अवक्षेप के रूप में जल में आ जाते हैं, कपड़े से बाहर निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि कपड़ा हमारा क्या हो गया, साफ हो गया। तो यही कारण है कि ये सब क्रियाएँ
साबुन के साथ सफाई प्रक्रिया जब करते हैं तो करना पड़ता है। तो इस पेज पे यही दो प्रश्न हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।